हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब न्यूज में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेलवे के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें साइंस और जीके के दोनों ही मिक्स क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल होता है दूरी, गति, विस्थापन, गति मात्रा। वेग और समय का गुणनफल होता है विस्थापन। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य होता है मूल का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग ग्रांड संकेतक के रूप में किया जाता है इमली, आंवला, फिटकरी, वनीला। इनमें से किसका उपयोग है वो ग्रांड संकेतक के रूप में किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। और संगीत के बारे में बताता है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है जहाज, बैलगाड़ी, साइकिल, रेलवे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है वह है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तबीजी के प्रजनन अंग में स्थिर होते हैं जड़े, फूल, तना, पत्ते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुखद यात्रा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? महानदी, किम, ताप्ती, रुपेण। इनमें से कौन सी नदी है वो सूरत से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। सूरत गुजरात से होकर बहती है और सूरत को भारत का डायमंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को ईंधन कहा जाता है चारकोल, जीवाश्म, बायोमास, लकड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व कण से बनाने के लिए तांबा और जस्ता के साथ मिश्रित किया जाता है, इनमें से कौन सा तत्व है वो कण से बनाने के लिए तांबा और जस्ते के साथ मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SN यानी कि टिन, और इसकी परमाणु संख्या वो है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है बागुरम्बा, रूफ, थांग था, बिहू। इनमें से कौन सा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थांग था। थांग का अर्थ होता है तलवार
और ता का अर्थ होता है बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? पुनर्जनन, यौन, अलैंगिक, मुकलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया अनुपात में संकेंद्रित HNO3 और संकेंद्रित HCl का मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:3। HNO3 होता है 1 और HCl होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का वाष्पीकरण पर होता है? हिमांक पर, सभी तापमान पर, कवंतनाक पर, सलियन तापमान पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है कब प्रकाशित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रमुख में प्रतियोगिता में भाग लेने वाला सबसे युवा भारतीय गोल्फर कौन है? ज्योति रदावा, जीव मिल्खा सिंह, शुभंकर शर्मा, अनिवन लाहिड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभंकर शर्मा, सबसे युवा भारतीय गोल्फर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ब्रोमीन, आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इनमें से कौन सा तत्व 17 से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। ये 18 समूह से संबंधित है जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। फ्लोरीन है वो है 9, क्लोरीन का है 17 और ब्रोमीन का है 35। आवर्त सारणी आपको रट लेनी है क्योंकि आवर्त सारणी से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? गामा किरणें, अल्फा किरणें, पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण। इनमें से कौन से सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण, जो त्वचा कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस, यानी कि बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांगी स्वरूप में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है? शुभांगी स्वरूप है वो किसमें शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, केरा, रिक्सिया। इनमें से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरा। ए, यह एक हरी सेवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का एक अयस्क है मैग्नेटाइट, सिनेबार, हेमेटाइट, बॉक्साइट। इनमें से कौन सा एक पारे का अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी की सतह के अंदर संग्रहित गर्मी को निम्न के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस पदार्थ में। और सबसे धीमी यात्रा करती है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? बाघ, बिजोन, रॉयल बंगाल टाइगर, चितिदार, हिरन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेलोजन है मैग्नीशियम, क्रिप्टोन, क्लोरीन, सोडियम, इनमें से कौन सा एक हेलोजन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन, जो 17 समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर। इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सीसा, निकल, हीलियम, हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकल का उपयोग है वो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सरकी राजा ने किसमें अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया? कश्मीर, मालवा, गुजरात, जौनपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर में। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम, काला गुलाब, कोयला, काले अंगूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम से। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर क्लास का वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।